हेलो हाय, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन क्रीमी वाइट टिक्के की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाली है। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, तो चलिए बिना टाइम से कि आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो देखें सबसे पहले ना, यहाँ मैंने ले लिया है 1 kg चिकन। तो चिकन जो है ना, अच्छे से हमने धोकर साफ करके रख ली है। तो चिकन की जो बोटियाँ हैं ना, वो थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। तो ये देखिए, ये लेग पीस कितना बड़ा है। तो इस तरह से जो है आपने अपनी बड़ी सी बोटियाँ लेनी है। तो इसको जो है ना, मैंने थोड़े से कट लगा दिए। तो इस तरह से जो है ना, आपने थोड़े थोड़े फासले पर कट लगा लेने। तो अब हम इसको जो है ना, मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ ले लिया है 1 कप दही अच्छे से फेंटा हुआ। तो ये 1 कप दही हम इसमें शामिल कर देंगे। हाँ जी, तो अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी, यहाँ है मेरे पास हरा धनिया। इस तरह से जो है ना, मैंने इसको बिल्कुल बारीक पीस लिया है। तो ये मैंने जो है ना, हवन दस्ते में पीसा है ताकि टेस्ट अच्छा आए। और दूसरा जो है ना, मैंने यहाँ पे 5 हरी मिर्ची ले ली है। तो बीज मैंने जो है ना, कम किए हैं मिर्चियों के, ताकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। तो ये दोनों चीज़ें पीसी हुई हम इसमें शामिल कर देंगे। अगर आप चाहें तो आप हरी धनिया को जो है ना, वो मशीन में भी पीस सकते हो। तो अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। तो वाइट टिक्का है, तो बहुत ही कम लाइट से मसाले जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें चली जाएगी 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/4 टीस्पून इसमें चला जाएगा साबुत ज़ीरा। और यहाँ मैं डाल रही हूँ हसबे ज़ायका नमक। और लास्ट में इसमें चली जाएगी काली मिर्च पिसी हुई 1/4 टीस्पून। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। तो अब जो है ना, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करके हम इसको मैरिनेट कर देंगे, ताकि जो है ना, अच्छे से मसाले इसके अंदर तक चले जाएँ। तो आपके पास जितना टाइम है ना, आप इसको उतनी देर रख दें, लेकिन 1 से 1.5 घंटा जो है ना, आपने इसको लाजमी रखना है। देखिए यहाँ ना, मैंने बारबेक्यू का पूरा सेटअप किया हुआ है। तो अब जो है ना, ये देखिए कोयलों को हमने अच्छे से गरम कर लिया है। तो अब हम इस पर सीखे लगाएंगे। देखिए मैंने जो है ना, 1.5 घंटे ज़्यादा मैरिनेट किया है। तो अब जो है ना, हमने इस तरह से सीखे ले लिए हैं, क्योंकि हम यहाँ पर बारबेक्यू बनाने वाले हैं। तो ये देखिए, इस तरह से बोटी को उठाएँगे और इस तरह से जो है ना, आपने इसको लगा देना है। तो अगर आप चाहें तो, थोड़ा मुश्किल है लगाना, क्योंकि ये चिकन है और ये मैंने पूरा लिया हुआ है। तो जैसे हो सके ना, इस तरह से आपने इसको, क्योंकि ये हड्डी वाली बोटी है, तो इस तरह से हम लगाते जाएंगे। तो अगर आप जो है ना, ये बारबेक्यू का सेटअप नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसको सिंपली थोड़ा सा ऑयल डालकर, तो आप जो है ना, इसको फ्राई पैन में या सॉस पैन में आप इसको ईजिली बना सकते हैं। फिर आपको इसको अलग से स्मोकी फ्लेवर देना पड़ेगा। तो इसी तरह जो है ना, मैंने सारी बोटियों को लगा लेना है सीखों पर। अब ये जो है ना, सीखें हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे और पकने का इंतज़ार करेंगे। तो प्रोसेस सबको पता है। तो बस अब जो है ना, हमने इसको अच्छे से पका लेना है, और ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाते रहेंगे, ताकि जो है ना, इससे अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाए। तरीका भी जो है ना, मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो यहाँ मैंने सॉस पैन लिया है, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि अगर आपको जो है बारबेक्यू का सेटअप ना करना हो, तो आप इस तरह से एक सॉस पैन लें, थोड़ा सा ऑयल डालें और बोटियों को इस पर रख दें। तो पहले जो है ना, आपने बोटियों को थोड़ा सा पका लेना है इस तरह से करके, फिर आप जो है इसको हल्का सा स्मोकी फ्लेवर दे दें। हाँ ना, मैंने एक अलग से सॉस पैन ले लिया है। तो अब हमने इसमें शामिल कर देना है घी, सॉरी मक्खन शामिल करना है। तो यहाँ ना, मैंने 2 बड़े चम्मच मक्खन के लिए, और इसी के साथ हम सिर्फ 1 चम्मच इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। तो बस हल्का सा इसको मेल्ट करेंगे हम बटर को, बहुत ज़्यादा मेल्ट नहीं करना। और इसी के साथ हम इसमें शामिल कर देंगे मसाला। तो जिसमें हमने चिकन को कोट किया था ना, वो मसाला बच गया है, तो यही हम इसमें शामिल कर देंगे। तो अब हमने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है मक्खन में, तो बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, हमने इसका कलर वाइट ही रखना है। बोटियाँ जो है ना, वो अच्छे से फ्राई हो गई हैं। तो अब मैंने इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कोयला ऊपर रख दिया। थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल डालेंगे, ताकि इसमें भी फ्लेवर आ जाए। तो इसको कवर कर देंगे। 1 से 1.5 चम्मच मायोनीज के। तो यहाँ ना, मैंने वाइट मायोनीज लिया है, सिंपल वाला। और इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच क्रीम के। तो फ्रेश क्रीम के मैंने यहाँ यूज़ किए हैं। तो बस अब इसको हम हल्के हाथों से
मिक्स कर देंगे और इसी के साथ इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। तो बस इसीलिए जो है ना हमने इसको थोड़ा सा लाइट ही रखा है क्योंकि ये वाइट है। तो अब इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और अगर आप जो है ना इसको थोड़ा रनिंग खाते हैं तो फिर इसमें हल्का सा पानी डालने या दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फाइनल लुक, तो सॉस जो बनाई थी ना वो हमने इसके ऊपर डाली है, तो आप चाहें तो अलग से भी रख सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इस रेसिपी को मेरी स्टाइल से बनाकर ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर ड्रॉप करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।